Yes, we were doing equation of center of mass. And we applied the conservation of momentum there. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया था हमने लॉ, और उसमें भी यही था कि इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो देन व्हाट विल हैपन, सेंटर ऑफ मास विल कंटिन्यू मूविंग विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, उसकी मतलब इनिशियल और आफ्टर मोमेंटम सेम रहेगी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास के बारे में था. न्यूमेरिकल्स आई टोल्ड यू कि कैसे कर सकते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, सेम वे आपने बाकी न्यूमेरिकल्स भी करने हैं. ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद टॉर्क. नेक्स्ट इज टॉर्क. पहले हम एक टेबल बनाते हैं. लेट्स कंपेयर द क्वांटिटीज इन लीनियर एंड रोटेशनल मोशन. बिफोर डूइंग रोटेशनल मोशन एक कंपेरिजन पहले कर लेते हैं सो दैट यू हैव अ रफ आइडिया अबाउट इट. कंपेरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन. अब जैसे कि यहां पे वेलोसिटी थी v, आप यहां पे लोगे ओमेगा. लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी. सो आई एम राइटिंग हियर द एंगुलर काउंटर पार्ट ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन लीनियर मोशन. यहाँ पे जो रोल लीनियर मोशन में क्वांटिटी प्ले कर रही है, रोटेशनल में सेम रोल विल बी प्लेड बाय व्हाट क्वांटिटी वी आर गोइंग टू डू दैट. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखेंगे ओमेगा नॉट. डिस्प्लेसमेंट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. अल्फा एक्सेलरेशन का अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. एंड यू नो द कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशंस आल्सो, v इज इक्वल टू r ओमेगा, a इज इक्वल टू r अल्फा. ये रिलेशंस हैं लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज के बीच में. v लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. व्हाट इज द रिलेशन, v इज इक्वल टू r ओमेगा, नाइन्थ में पढ़ा हुआ है आपने. सेम वे आपकी लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में भी यही रिलेशनशिप. एंगुलर एक्सेलरेशन होती क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम. ठीक है, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन थी लीनियर वेलोसिटी ओवर टाइम, सेम वे एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम. तो हाउ कैन यू राइट नाउ द इक्वेशंस ऑफ मोशन. वी इक्वल टू यू प्लस एटी को आप कैसे लिखोगे रोटेशनल टर्म्स में, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. This is how you will write the equations. S equal to ut plus rat square भी लिखो, और v square minus u square equal to 2as भी लिखिए. Tell me कैसे लिखेंगे हम? Yes, very good. So we will write second equation of rotational motion as omega naught t plus half alpha t square and omega square माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज टू अल्फा थीटा. ऐसे हो जाएंगे ना. तो ये भी लर्न करनी है आपने, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन. और इनका प्रूफ भी बिल्कुल वैसे ही है कैलकुलस मेथड से, सेम वे, बस टर्म्स चेंज हो जाएंगी. सेम मेथड है कैलकुलस से, हम इसको करेंगे डिराइव. देन P is equal to mv. ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, इन प्लेस ऑफ लीनियर मोमेंटम वी हैव एंगुलर मोमेंटम L. ठीक है, m मास. मास का रोल कौन प्ले करता है, एक मिनट पहले बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. I का फॉर्मूला लिख लो mr स्क्वायर. I is मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स फॉर्मूला इज एम आर स्क्वायर. एक एक करेंगे हम बाद में सारे, अभी सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं. तो मास जो रोल प्ले करता है वो इनर्शिया करेगा यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, नाउ वी राइट
मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, दिस इज एंगुलर मोमेंटम. एल आपका एंगुलर मोमेंटम है और पी लीनियर मोमेंटम था. सो पी इज इक्वल टू एम बी कैन बी रिटन एज एल इज इक्वल टू आई ओमेगा. तो जैसे हमारे पास फेमस रिलेशन है पी इज इक्वल टू एम बी, वैसे ही रोटेशनल में फेमस रिलेशन विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग एल इज इक्वल टू आई ओमेगा. गॉट इट? अब लिखिए एफ इज इक्वल टू एम ए. नेक्स्ट आप लिखो फोर्स का रोल यहां प्ले करता है टॉर्क. टॉर्क टाउ सिंबल है इसका, दिस इज कॉल्ड टॉर्क. द रोल दैट फोर्स प्लेज इन लीनियर मोशन, ये फोर्स मूव करता है ना बॉडी को. टॉर्क ऐसा फोर्स है जो बॉडी को रोटेट करता है. टॉर्क विल रोटेट द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड टाउ. हाँ एम इज एफ इज इक्वल टू एम ए, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. तो वो हमारा फेमस रिलेशन अब यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग होगा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी. ये आपकी ट्रांसलेशनल एनर्जी है ना, अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. Yes, half I omega square. It will become half I omega square. Kinetic, ये rotational kinetic energy होगी. ये आपकी linear या translatory kinetic energy थी, translational kinetic energy. Next है power, force into velocity. इधर बन जाएगा tau omega. वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बताइए वर्क का क्या बन जाएगा. टाओ थीटा, तो वर्क हमारा हो जाएगा टाओ थीटा. राइट, वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का क्या लिखोगे आप, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर. राइट, सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल मोशन. तो ये सभी एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट हमने कर लेने हैं. सो वी विल स्टार्ट विद प्रूफ्स ऑफ रोटेशनल इक्वेशंस. लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ. फर्स्ट वन आई विल बी डूइंग, बाकी आप दोनों आप करोगे. ठीक है, शुड आई रब. शैल आई रब दिस नाउ. हो गया. सो लेट अस प्रूव नाउ इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन.
दिस इज टू बी प्रूव. तो हम अल्फा से स्टार्ट करते हैं. अल्फा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. तो हमने ए को लिखा था ना डीवी बाई डी टी, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी. यहां से स्टार्ट कर देंगे, एकदम सेम मेथड. क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेट बोथ साइड्स. टाइम की लिमिट्स वही रहेंगी जीरो से टी, और ओमेगा की इनिशियल टू फाइनल ऑलवेज. सभी में हम यही यूज करेंगे, टी इक्वल टू जीरो पे इनिशियल एंगुलर स्पीड है और टी इक्वल टू टाइम टी पे उसकी फाइनल वेलोसिटी है ओमेगा. अब इसको करो इंटेग्रेट, ओमेगा आ जाएगा इंटेग्रल डी ओमेगा का विद इन द लिमिट, और टी आ जाएगा विद इन द लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो दिस कम्स आउट टू बी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. है ना बिल्कुल वैसे सेम? तो बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस आप सेकेंड और थर्ड भी डिराइव करोगे. So have a look at this. If any step is not clear, you can tell me. Second, have you done this? अब second proof करनी है हमने. Theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. Now this is to be proved. अब शुरू करेंगे हम omega के formula से. Rate of change of angular displacement. Angular velocity is the rate of change of angular displacement. Cross multiply. Always when we derive second equation, we use first equation. Here also put omega equal to omega naught plus alpha t. Put it here. ठीक है, ओपन द इंटीग्रल एंड इंटीग्रेट बोथ साइड्स. और थीटा की लिमिट पोजीशन वन टू पोजीशन टू, जैसे वहां पे हम एक्स वन टू एक्स टू ले रहे थे, यहां थीटा वन टू थीटा टू ले लो. चलिए नाउ डू इट योरसेल्फ, इंटीग्रेटेड योरसेल्फ. आप यहां आके करो सॉल्व. हरनूप इधर आके करो. जल्दी आ जाओ, यहां कंप्लीट करो, यहीं पे कर दो. आ जाओ, नहीं नहीं यहीं पे करो कम. अरे इतना टाइम थोड़ी होता है, आ जाओ यहीं पे करो. कॉपी पे लिखने की बजाय यहां लिख दो. अब मास्क क्यों नहीं डालते गुरजोत? मास्क सभी डालिए, मास्क मन्नत. कौन करेगा यहां सॉल्व? यस, हु कैन सॉल्व हियर? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ओमेगा को पुट किया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. अब ब्रैकेट ओपन कर दी और इंटीग्रेट करना बाकी है. हु विल डू इट हियर? पुलकित, ये कौन सी कॉपी रखी है? ये किसकी कॉपी है? उसका क्या फायदा भाई?
और वो भी पीछे नोट कर रहा है इसी कॉपी से। मैंने आपको ही देखा पहले कि कहां से नोटिस कर रहे हो आप। बंद कर दो इसको। हु विल सॉल्व हियर? गुरसीरत आ जाओ। हरी अप हरी अप। अरे दो मिनट में जल्दी। बाकी आप चेक करो ये ठीक कर रहा है सॉल्व। सीधा ही ऐसे कैसे आ गया? नहीं पहले आप लिखो इंटीग्रेट करके क्या आया, फिर अगले स्टेप में लिमिट। पहले इंटेग्रल डी थीटा क्या है? डायरेक्टली वी कांट राइट थीटा टू माइनस थीटा वन। आप पहले लिखोगे थीटा आया उसका आंसर, और विद इन द लिमिट थीटा वन टू थीटा, उसके अगले स्टेप में पुट करें। ठीक है चलो हाँ ये करो। डार्क लिखो थोड़ा। चलो जाओ देखो, जब आपने इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इंटेग्रल डी थीटा इधर थीटा का इंटेग्रल, बाकी सब कुछ सेम है, बस डी हटा दिया उसने। तो क्या ये ठीक है? नहीं, क्योंकि इंटेग्रल डी थीटा मतलब इंटेग्रल हट जाएगा, आपने इंटीग्रेट कर दिया। इंटेग्रल डी थीटा इज थीटा, थीटा विद इन द लिमिट थीटा वन टू थीटा टू। ठीक है, ओमेगा नॉट टी आ गया, ठीक है विद इन द लिमिट अल्फा टी, ये टी वन हो गया, टी वन प्लस वन और वन प्लस वन, नीचे भी टू आएगा है ना, बस विद इन द लिमिट हो गया, वो सेम ही रहेगा, बट वी हैव टू डू। अगर प्रूव करना है तो हमें दिखाना पड़ेगा। आफ्टर दैट अब लिमिट्स पुट करेंगे अपर माइनस लोअर। थीटा टू माइनस थीटा वन चेंज इन एंगुलर पोजिशन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द प्रूफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। सो दिस इज द प्रूफ। क्लियर? कोई डाउट इसमें यहां तक? चलिए अब थर्ड स्टार्ट करो। डू इट योरसेल्फ अगेन। अल्फा के फॉर्मूला से स्टार्ट करिए, और उसमें हमने डीएक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहाँ पे हम डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सेम प्रोसीजर है बिल्कुल। तो थर्ड है टू प्रूव ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज टू अल्फा थीटा। So alpha is d omega by dt, ठीक है, और multiply divide by d theta, write dt here, d theta here, what is d theta by dt? Rate of change of angular displacement, that is angular velocity. रीजन दे दो यहाँ पे, बिकॉज ओमेगा इज डी थीटा बाय डी टी। ये स्टेप क्लियर है? नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई डी थीटा उधर चला जाएगा, सो ओमेगा डी ओमेगा दिस साइड, अल्फा डी थीटा ऑन द अदर साइड। Now we can integrate within the limits. Theta के limits वही है theta one to theta two, और velocity from initial to final. Now solve this. Yes, any girl who can solve here? Yes, कौन आएगा यहाँ पे solve करने के लिए? Yes.
नहीं आती इंटीग्रेशन? दिवांशी आ जाओ आप, मन्नत, हरनूर, एक मिनट है, श्रेया यहाँ कर लो, कब से कर रहे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, अब तो काफी टाइम हो गया है ना, दो पेपर दे रही है अब तो, सो व्हाट, फिर क्या हो गया, हो गया एक मिनट आ जाओ, चलो करो, ओमेगा वन नहीं है, ओमेगा और ओमेगा नॉट, चलो गुड, सो दिस इज ओमेगा वन, मतलब ओमेगा रेस्ट पर वन डी ओमेगा, ओमेगा वन प्लस वन और वन प्लस वन, ओमेगा स्क्वायर बाय टू विद इन द लिमिट, नेक्स्ट स्टेप में वो पुट कर दी, और डी थीटा का वाई थीटा लिमिट्स पुट इन कर दी, और थीटा टू माइनस थीटा माइनस थीटा, सो वी हैव द प्रूफ ऑफ ऑल द थ्री इक्वेशंस दिस वे. Now write down one question. इनी expressions के basis पे एक question करते हैं. अगर ये हो गया आपका तो बताइए. Done. Prove tau is equal to I alpha. Question है prove tau is equal to I alpha using the expressions for rotational power and kinetic energy, using the expressions for rotational power and kinetic energy. हाँ भी लिखवाया था ना, हाँ tau omega, मतलब यही दो फॉर्मूले यूज कर सकते हो और tau is equal to I alpha डिराइव कर ली, हाँ प्रूव कर ली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, कुछ कर सकते हो इनमें, रिलेशन क्या बता सकते हो, पावर क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यही होता है ना, एनर्जी ओवर टाइम, हिंट दे दिया मैंने आप, चलो सॉल्व करो इसको, आई हैव गिवन यू द हिंट, नाउ पुट इन द वैल्यूज, डिफरेंशिएट करिए आपका आंसर आ गया, चलो Who can do here? जिसको डिफरेंशिएशन आती है, प्रैक्टिस किया करो भाई, जब भी टाइम होता है तो बुक खोलो, उसमें से क्वेश्चंस करते रहा करो, तो पुट इन द वैल्यूज, tau omega is d by dt of half i omega square. अब हाफ आई तो कांस्टेंट, जैसे मास कांस्टेंट होता है, आई को भी बाहर ले सकते हैं, मतलब आपने डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा स्क्वायर करना, ओमेगा को डिफरेंशिएट करना, ओमेगा को डिफरेंशिएट करना बेसिकली, राइट, नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या लिखूं यहाँ पे, what is the derivative, any online student can also tell,
How can I write the derivative of omega square with respect to time? कौन बताएगा क्या होगा इसका derivative? Yes. Amritpal, would you like to tell? Yes, Amritpal. कितना आएगा? ये आएगा 2 ओमेगा d ओमेगा by dt. क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा नहीं ना डिफरेंशिएट कर रहे, तो इट वोंट बी ओनली 2 ओमेगा. 2 ओमेगा के बाद इनटू डी ओमेगा बाय डीटी आल्सो, क्योंकि हमारा विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट है. तो आप लिखोगे 2 ओमेगा d ओमेगा बाय डीटी. ओमेगा कैंसिल आउट. व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर एक्सेलरेशन. आ गया आंसर. रीजन दे दो. बिकॉज अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी. हो गया प्रूफ. इस तरह से आप क्वेश्चंस कोई भी हो सकते हैं अप्लाई करना है आपने माइंड. ओके फाइन. इसमें डाउट किसी को कोई?